जो रास्ता जा रहा है ये स्वर्ग की सीढ़ी है। गेट भी गिर जाओगे तुम। ये गौरव, और गौरव को ये आके बताइए। मेरे ब्लॉग चल रहा है, मेरे को क्यों बता रहे हो गौरव भाई? यार मैं भूला भूला पकड़ियो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग विद गौरव मेहता ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सभी? गाइस टुडे आज मैं यहां पर पहुंच चुका हूं मोड़ागांव में। मोड़ागांव की स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट इंडियन विलेज मोड़ागांव। अभी यहां से अंदर को जाएंगे, लास्ट इंडियन विलेज देखो। अभी सबका मन नहीं भर रहा है फोटो लेते लेते। जिया जी आपका कुछ कहना है इस बारे में? आपका कुछ कहना है इसका इन बारे में? मन नहीं भरा। अरे इनका मन कभी नहीं भरेगा फोटो, इनका नहीं भरेगा। सब फोटो डिलीट करेंगे लास्ट में, सारी फोटो डिलीट करेंगे। इसलिए गाइस आप देखो, चलो 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 हम गाड़ी में जा रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि हम तो ब्लॉग बना रहे हैं गोलू और मैं, और शंकर बोल रही जाटा बना रहा है। यहाँ से अभी हम विजिट करते हैं मोड़ागांव की तरफ। वो गाइस आपको दिखाते हैं मोड़ागांव की सुंदरता और खूबसूरती। आगे को चलते जाइए गाइस। देखो ये मोड़ागांव की ये मार्केट है, और यहाँ पर अभी भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं लोग। और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। जिया जी और भी पीछे से आ ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, आप देख पा रहे होंगे। और गाइज कभी आइएगा तो बद्रीनाथ आइएगा, तो 4 किलोमीटर आगे है मोड़ागांव, मोड़ागांव जरूर आइएगा। ये देखो गाइज, ये देखो दगड़ियों, हैंडमेड की कलाकारी ही कुछ अलग होती है। ये सब हैंडमेड बना हुआ है, ये देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और धूप आ गई है भाई, थोड़ी बहुत धूप आ गई है बस। यहाँ पर क्या है, सब भोले की माँ है, कहीं धूप कहीं छाया है। शंकर दा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बुबू भी यहाँ भी मिल गए, गांधी बुबू यहाँ भी मिल गए, गांधी बुबू हर जगह खादी वाले हमारे। कौशल दा आप यहाँ की खूबसूरती के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई काफी नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी है ना जो भी यहाँ बना, सब कुछ नेचुरली बना, सब कुछ नेचुरल है, मतलब मान लो होममेड है, कुछ होममेड है। और ये देखिए गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आर्मी बेस कैंप है, क्योंकि ये इंडिया का लास्ट विलेज है, तो यहाँ पर आर्मी अपना पहरा देती है। और ऊपर देख रहे होंगे आप, वो इतना हिमालय पर्वत इतना बढ़िया चमक रहा है, क्योंकि अभी धूप नहीं आई है, क्योंकि मौसम इज़ पूरा ऐसा उलझा हुआ मौसम है। ये देखो बादल पूरे इधर से उधर हो रखे हैं, यहाँ पर हमारे सामने बादल जा रहे हैं। यहाँ पर क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या है ये? सिलाजीत यहाँ पे। सर सुनिए, जो आपने औषधि दी है इसके क्या फायदे हैं, हमें जरा बताएंगे? इससे बाल झड़ना और डैंड्रफ दोनों रोकता है। अच्छा, और क्या करना डरे, इसका यूज कैसे करना डरे? इसको ऐसा है कि तेल में डाल के 2 घंटा धूप में रख देना। अच्छा, 2 घंटा? हाँ। 2 घंटे वो रेड कलर होता है तेल का। अच्छा, अच्छा, ये अपना ये क्या हुआ, रतन जोत, ये बाल छड़ी बोलते हैं। अच्छा, बाल छड़ी। दगड़ियों जैसा कि आप मोड़ागांव में अभी हम चल रहे हैं, मोड़ागांव की जितनी भी तारीफ करी जाए उतना कम लग रही है मेरे को तो, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ घरों में ना पेंटिंग तो नहीं हो रखा है, यहाँ पर देखो साथ साथ भगवान बना रखे हैं। हर हर शंभो लिखा गया कैफे, हर हर भोलेनाथ, जय हो जय हो। देखो यहाँ पर सरस्वती माता का भी दृश्य बनाया हुआ है, मोक्ष कैफे, ये मोक्ष कैफे है, देखो बहुत बढ़िया। भगवान नारायण, जय बद्री विशाल की। दगड़ियों फाइनली यहाँ पर अभी ऑर्डर कर चुके हैं। क्या क्या ऑर्डर किया जी? हमने ये कौशल का तो फास्ट है आज, कौशल का तो आज फास्ट में है, तो 5 चाय कर दी है। हाँ। और यादव जी कुछ नहीं खाएंगे, यादव जी खाएंगे, ये आखिरी गांव आता है, एकदम वो हो गए डाउन हो गए, ये डाउन ये हो चुके हैं। और हम 4 चाउमीन खाएंगे, 4 मोमोज उस दुकान में पता करने, मोमोज दूसरी दुकान में पता करने गए, क्योंकि यहाँ पर हमें मोमोज नहीं मिले। यहाँ पर चाय और चाउमीन प्लस मोमोज खाया जाएगा, यम्मी यार गाइस ये देखिए। हाँ क्या हुआ शंकर दा, मोमोज है? है मोमो यहाँ पे है सामने वाली दुकान पे मोमोज, और 50 के 6। हाँ। भाई मेरा फास्ट है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है, यहाँ पे मोमोज में मोमोज लपेटे जा रहे हैं ये लोग, देखो। हाँ। ये देखो awesome. और मैं कह रहा हूँ ना भाई, देखो शंकर भी है, आने से पहले सारे खत्म कर दो, वो फोटो में रह जाएंगे। हमारा टारगेट यही है, ये टारगेट है अमेजिंग, ये मेरा, ये मैं मानता हूँ, जल्दी जल्दी खा लो, कैसे हो रहे मस्त है? कोई नहीं, मेरा फास्ट है, मैं गाड़ी में जाके फल खाऊंगा। गेट भी गिर जाओगे तुम। ये गौरव, और गौरव को ये आके बताइए। मेरे ब्लॉग चल रहा है, मेरे को क्यों बता रहे हो गौरव भाई? यार मैं भूला भूला तो मैं हूँ बड़ा भाई। गाइस आज हम ऐसा करते हैं, इनको हम भेज देते हैं स्वर्गपुरी। भूला आपको धुआं लग रहा है, कोहरा लग रहा है, और थिंकिंग देखो देखो ये हमारे को लग रहे बादल, हमें धुआं क्यों लगेगा? बादल धुआं आपको लगेगा, धुआं को लग चुका है। गाइस जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी सांस भी लग गई है चढ़ते चढ़ते, और हम पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में भारत की अंतिम दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान में, और स्वर्गपुरी गेट पे, यानी स्वर्ग को गए थे। ये देखिए व्यू देख पा रहे होंगे आप, इतना बेहतरीन व्यू आ रहा है। कौशल था व्यू के बारे में आपका कुछ कहना है? अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट ना, देखा था। हाँ भाई लास्ट गाँव है। हाँ कम डेवलप है पर
पीसफुल है काफी यार। पीसफुल है, छोटा सा गांव है बट इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को यहाँ पर आके, बहुत अच्छा यहाँ के लिए। ये जो रास्ता जा रहा है ये स्वर्ग की सीढ़ी है, यहीं से पांडव लोगों ने कहते हैं यहाँ पर पांडव भगवान जी थे जो उन्होंने यहाँ पर से यात्रा की थी स्वर्ग की, स्वर्ग गए थे वो यहाँ से। है कौशल था, क्या था इनका राज्य? स्वर्ग गए थे वो, एक्चुअली ऐसा था वो अपने भाइयों से ना, हाँ अपने भाई की हत्या के पाप से मुक्त होने जाते थे, हाँ तो वो स्वर्ग जाना चाहते थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो पांच लोग गए ना, पांच पांडव और उनकी वाइफ द्रौपदी, और उनके साथ जब ट्रैक करने लगे तो आधे रास्ते में उनका कुत्ता मिला। धीरे धीरे करते 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 अर्जुन जी, भीम जी, उनके भाई दोनों, द्रौपदी जी सब खत्म हो गए, मतलब नहीं पहुंच पाए स्वर्ग तक, सब मर गए। ओ तो एक कुत्ता ही था जो धर्म के सॉरी स्वर्ग के गेट तक उनके साथ गया, उनके साथ गया। पर ऐसा हुआ कि जो स्वर्ग में जो गेट पे थे उन्होंने उनको कुत्ते को लाने का मना कर दिया, मतलब कुत्ता नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, उन्होंने कहा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। अच्छा अच्छा, तो पर वो कुत्ता ना जो था वो धर्म का कुत्ता था, वो धर्म राज जो होते ना धर्म के रूप में कुत्ता आया था। उन्होंने देखा कि हाँ इसने अपने धर्म का अभी भी नहीं छोड़ा स्वर्ग देखने के बाद भी, तो उस चक्कर में तो दोनों को अंदर आने दिया। ये मेरे को आज पता चला, ये कौशलदार ने जैसा कि आप हमें बताया है कि कहते हैं ये स्वर्ग की सीढ़ी का राज, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये स्वर्ग की सीढ़ी है, और यहाँ पर ये देखो इतना बढ़िया मंदिर बना रखा है। ये मंदिर किस चीज़ का है? सरस्वती जी का माता मंदिर। ये सरस्वती माँ का मंदिर है, जय हो सरस्वती मैया की, जय हो। दगड़ियों जैसे कि यहाँ अभी हम सरस्वती माँ के दर्शन कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए गाइस। यहाँ पर सरस्वती माँ के दर्शन करने के बाद जय हो सरस्वती माता की, जय हो। ये देखिए गाइस यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कितना अद्भुत नज़ारा है ये, जाओ 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 जाओ। तगड़ियों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हिंदुस्तान की अंतिम दुकान में। अंतिम दुकान बोले तो इसके आगे अपना हिंदुस्तान समाप्त हो जाता है, क्योंकि चाइना बॉर्डर लग जाता है यहाँ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, ये आप देख पा रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? ये देखिए गाइस आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर देखो कितना स्वर्ग जैसा नज़ारा है। ये स्वर्ग जैसा नज़ारा इसलिए गाइस क्योंकि ये स्वर्ग की सीढ़ी है। ये जो रास्ता देख पा रहे हो आप मेरे पीछे, आप ये रास्ता देख पा रहे हो, ये स्वर्ग की सीढ़ी है। क्या लग रहा है? फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। मन तो मेरा लास्ट दुकान में बहुत कुछ खाऊं, पर मेरा बर्थ है मैं खा नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है वरना मैं बहुत कुछ खाता। जिया जी मैं पैसे पता है क्यों नहीं है? इंडिया की लास्ट दुकान तक आते आते इतना खर्चा हो गया है कि